फिरोजाबाद के टूंडला लाइन पार के गांव नगला दत्त में रामकिशन राजौरिया के घर आयोजित गणेश प्रतिमा की पूजा करते हुए सरपंच योगेश उपाध्याय ने कहा कि हर वर्ष गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख शांति मिलती है व मन पुलकित होता है। 7 दिन बाद प्रतिमा को यमुना में प्रवाहित कर देते हैं और प्रसाद वितरण कर आनंदपुर गुणगान करते हुए अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं। और हर बार वैसे तो पता नहीं, लेकिन इस बार यह 10 सितंबर से शुरू हुआ है और यह कार्यक्रम हमारे यहाँ 7 दिन तक चलेगा। रोज सुबह हवन पूजन होता है, उसके बाद में गणेश चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। और ये कल जो है इसका समापन होने जा रहा है, कल हवन पूजन होगा, सभी लोग मिलकर पूजा करेंगे। उसके बाद हम यमुना के तट पर जाकर गणेश जी का विसर्जन करेंगे और ग्राम नगला दत्त में गणेश चतुर्थी के दिन अखिलेश कुमार राजौरिया के आवास पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सुबह हवन पूजन के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ शुरू किया जाता है कार्यक्रम। उसके बाद आरती होती है, आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। शाम को 7 बजे आरती का कार्यक्रम होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद वितरण के बाद कीर्तन होता है जो 1 घंटे चलता है, उसके बाद समापन किया जाता है। ये 7 दिन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कल 7वां दिन होने जा रहा है, 16 सितंबर को कल यमुना नदी पर विसर्जन किया जाएगा गणेश जी का, उसके बाद भंडारा किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा।